हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। हम आज बात करेंगे भैया मार्केट में आज हुआ क्या, मतलब किस कारण से मार्केट में गिरावट आई है, साथ में मार्केट में इतनी गिरावट के बाद भी RVNL का शेयर क्यों चला है और सरकार का मेगा एक्सपेंशन का क्या है प्लान। तो तीन बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब लाइव आते हैं या वीडियो अपलोड होती है ना तो आपको पता चल सकेगा, नोटिफिकेशन आ सकेगा। और स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के लिए फटाफट से कहाँ ज्वाइन करना है, टेलीग्राम को, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले तो मार्केट की गिरावट की खबर से शुरू करते हैं, जहाँ पर आप कहोगे गिरावट के बाद वीडियो बना रहे हो, तो नहीं, थोड़ा सा हमारा मुकुल अग्रवाल का चैनल है उसको देख लीजिए। पिछले कितने दिन से लगातार इस बात को हम जिक्र कर रहे हैं कि मार्केट हाई पर है, या जो यही चैनल है इस पे रोज़ रात में जो स्टॉक मार्केट की न्यूज़ की वीडियो आती है उसमें भी हम कितने दिन से कह रहे हैं कि मार्केट में अटका पड़ा है, एक बॉक्स बना हुआ है जो कहीं से बता नहीं रहा है कि मार्केट चल सकता है। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर मुनाफा वसूली की कहानी है, बाकी कुछ नहीं है। कोई टेंशन मत लेना, कोई लोड मत लेना, मार्केट में इतनी बम्पर तेजी हुई है कि प्रॉफिट बुकिंग बनती है और बस वही प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, इसी का है। याद रखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ, सेंसेक्स में जितनी आज गिरावट हुई है ना उसमें करीब 71% योगदान महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 71% का। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग का गेम है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। मैं तो कहूंगा खुशी मनाइए अगर बजट से पहले मार्केट गिर जाए तो, मार्केट हल्के हो जाएंगे तो बजट में अगर कुछ भी गुड अनाउंसमेंट होगा तो आप अच्छे तरीके से माल को पकड़ पाओगे, ठीक है। वहीं पर दूसरा जो रीज़न है, FNO सेगमेंट पर जो सख्ती की खबर आई है, जिस पे कल ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, लॉट साइज को, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइज को 5 लाख से बढ़ाकर 20 से 30 लाख करने की सिफारिश, वीकली ऑप्शन की ट्रेडिंग को प्रति एक्सचेंज पर वीक एक एक्सपायरी तक सीमित करने की सिफारिश, इससे क्या होगा, वॉल्यूम को खींचा जाएगा, वॉल्यूम कम होगा ऐसा माना जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, बट ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। तीसरा क्या, इंटरेस्ट रेट कट को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं, हर बार आते हैं बात करके चले जाते हैं, एक ही घिसा पीटा डायलॉग, नए नए तरीके से जेरोम पावेल जी सुना के चले जाते हैं जो फेड के चेयरमैन है, बट कुछ कहानी निकल के आ नहीं रही है। प्लस RBI ने क्या कहा कि एक बैठक की थी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर, उसमें बैंक के पास, कुछ बैंक के पास लाखों खाते हैं जिस पर चिंता जताई थी, क्योंकि वो जो बैंक के खाते हैं फ्रॉड लेन देन वाले हैं, ठीक है, सिर्फ लोन के एवरग्रीनिंग के लिए किया गया, तो वो भी एक था जो योगदान दिया। इंटरनेशनल मार्केट भी बिल्कुल उसी तरीके से भैया रो रो के चल रहा है। तो दीज आर द थिंग जहां पे मार्केट अटका है। आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो आज मैं लाइव भी आया था, तब भी मैंने डिस्कस किया था कि बॉक्स है, बॉक्स का सपोर्ट है, वही सपोर्ट से खींचा है। तो कुछ भी निफ्टी में या बैंक निफ्टी में जो आपके सामने बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स से जब कुछ निकलेगा तभी कुछ हो पाएगा, और जब तक बॉक्स में है तो मार्केट इसी तरीके से। तो उम्मीद करता हूं मार्केट का पिक्चर, आगे का पिक्चर क्लियर कर दिया होगा। फिर से रिपीट करता हूं, गिरावट से डरना नहीं, पार्टी मनाना है कि आपको लेने का मौका मिलेगा, दैट्स इट, हैप्पी। वहीं पर अब हम सरकार के मेगा एक्सटेंशन प्लान पे आ जाते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना बना रही है। अभी तक 15 गीगावाट वाली जो क्षमता वाली 37 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो अंडर डेवलपमेंट में है, और सरकार अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से 50 गीगावाट और जोड़ रही है, और अगले 5 साल में 11.9 गीगावाट, भैया ये जो कहानी है हाइड्रो पावर में, इसको और जोड़ना है। तो हाइड्रो पावर सेक्टर क्या हुआ, अच्छा चलेगा, इस सेक्टर से जुड़ी कंपनी को लाभ होगा, ठीक है, जिसमें मैंने कल एक रिन्यूएबल पे वीडियो भी बनाई थी, आपने आई होप लर्न विद मुकुल अग्रवाल वाले चैनल पे देखी ही होगी कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो उस तरीके से जो भी कंपनी हाइड्रो पावर में काम कर रही है वो कंपनी देख सकते, जैसे एक सरकारी कंपनी है जो हाइड्रो पावर जनरेशन में है, उसका नाम है NHPC, ऐसे ही SJVN है, ठीक है, जो हाइड्रो पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन में काम करती है। तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट जो काम करती है वो हम आपके साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोई भी ये मत समझिएगा कि हम जाएं और बाय कर लें, यहाँ जोड़ के विनम्र विनती है, जस्ट न्यूज़ बताएं कि सरकार क्या कर रही है और कौन इस तरीके से कर रही है, ठीक है। वहीं पर एक JSW एनर्जी लिमिटेड है, बिजली कंपनी है, जो बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग का काम करती है, और आज के डेट में हाइड्रो पावर के माध्यम से 1391 मेगावाट बिजली पैदा करती। तो दीज आर द न्यूज़ जो हम इस तरीके से शेयर करते हैं, जिससे आप समझ सको, और किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करो तभी कुछ भी करो।
अब जैसे देखो रेलवे, मैं हमेशा क्या बोल रहा हूँ, रेलवे में क्या हो रहा है या डिफेंस में क्या हो रहा है, ऑर्डर मिलता है शेयर भागते हैं, ऑर्डर मिलता है शेयर भागते हैं, बराबर है। अभी यही कहानी चल रही, बाकी कोई कहानी नहीं चल रही। आज देखो मार्केट गिर गया, लेकिन RVNL में क्या हुआ, तेजी हो गई। अब क्या न्यूज आई, न्यूज भैया ये आई कि 202 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है, ठीक है। उसके अलावा एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 187 करोड़ का ऑर्डर मिला, ठीक है। वहीं पर पिछले सप्ताह RVNL ने भारत और विदेश में आगामी प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया, ठीक है। हालांकि ऑर्डर मिलना और ये जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट पर साइन करना एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर्ड है, लॉन्ग टर्म ट्रिगर्ड नहीं है। लेकिन कहानी क्या है, सब बजट को लेकर बैठे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मार्केट में अगर ये गिरावट हुई तो बहुत अच्छा मौका होगा, जिससे सेक्टर वाइज आपको समझ में आएगा। जब सरकार आएगी बजट पे, बोलेगी ये ऐसा वो ऐसा, हम इसको ऐसा करेगा, हम उसको ऐसा करेगा, हम इसमें पैसा देगा, तो आप एक लिस्ट बना के रखना पिछली बार बजट में कितना पैसा दिया था उस सेक्टर को, फिर अंतरिम बजट में कितना पैसा दिया था उस सेक्टर को, और इस बार कितना दे रहा है, बस उसी से सारी कहानी हो जाएगी, आप खुद के बारे में। तो इसलिए मैं कहा ना कि मार्केट अगर हल्के हो गई गिरावट से तो आपको पूरा मजा आने वाला है, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। तो अभी इसी सेक्टर पे आज हमारे मेन चैनल पे सब किस सेक्टर को फायदा हो सकता है उसकी वीडियो भी आने वाली है, तो आप चैनल को फॉलो करके रखेंगे तभी फायदा होगा, और यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ जाएंगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा। तो बस फॉलो करते रहिए, प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए, कोई भी डाउट हो पूछते रहिए।